हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैं वैलेंटाइन स्पेशल आपके साथ बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही बढ़िया से डिजर्ट जो रेडी हो जाएगी सिर्फ 10 मिनट में और आपको चाहिए सिर्फ 1 पैकेट ओरियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया 1 पैकेट ओरियो। आप यहाँ पे व्हाइट क्रीम वाला ले सकते हैं या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हाइट क्रीम वाला ही लिया है। उसके बाद क्या किया मैंने, क्रीम और बिस्किट को ना इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं मैंने सेपरेट कर लिया। फिर बिस्किट्स को ना मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया और एक फाइन पाउडर बना लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाउडर एकदम रेडी हो गया है। तो हमने ना इसमें 2 से 3 चम्मच ना छोटे चम्मच मिल्क के ऐड करने और इसका हमने ना एक सॉफ्ट सा डो रेडी करना है। ये ध्यान रखना कि आप फर्स्ट को में ही ना ज्यादा मिल्क ऐड मत कर देना, वरना ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और हमें आगे का प्रोसेस फॉलो करने में ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब इसको रोल करके हम इस तरह से फ्लैटन कर लेंगे और जब हमने इस तरह से इसको बेल लिया ना, इसके बाद क्या करना है, हमने अपनी वही डलगोना वाली जो टेक्निक है ना उसको आजमाना है। तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे लिया है हार्ट शेप का कुकी कटर और इस तरह से जैसे आप देख रहे हो ना, इसको फ्लैट करने के बाद मैंने हार्ट शेप के कुकी कटर से ना यहाँ पे छोटे छोटे से हार्ट्स कट कर लिए हैं। ये आइडिया बेसिकली ना मुझे डलगोना कैंडी बनाते टाइम ही आया था, तो मैंने तभी सोचा था कि मैं वैलेंटाइंस पे भी ना इस तरह की रेसिपी जरूर कुछ ना कुछ बनाऊंगी। तो मैंने क्या किया, सारे हार्ट्स इस तरह से कट कर लिए। अब जितना डो यहाँ पे बच गया है ना उसको मैंने दोबारा से रोल करके फ्लैट कर लिया और अपने प्रोसेस को इस तरह से मैंने कम्प्लीट कर लिया है। ये आप ध्यान रखना, पर जब आप इसको फ्लैट कर रहे हो ना तो यहाँ तो डो बहुत ज्यादा फ्लैट ना हो जाए या बहुत ज्यादा थिक मत रहे, क्योंकि अगर बहुत थिक भी रहेगा ना तो शायद ये खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा और अगर पतला हो जाएगा ना तो बहुत इजीली ये हार्ट की शेप ना ब्रेक भी हो जाएगी, तो इसीलिए वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस ये ध्यान रखना कि जो इसकी थिकनेस है ना वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तभी एकदम परफेक्ट हार्ट की शेप यहाँ से निकल के आएगी और अब हम आगे का प्रोसेस अपना इजीली और अच्छे से उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। अब जो हमने क्रीम यहाँ पे सेपरेट की थी ना उसमें मैंने यहाँ पे सिर्फ आधा चम्मच मिल्क ऐड किया है। बिल्कुल ध्यान रखना कि इसमें ज्यादा मिल्क ऐड मत करना, वरना जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना व्हिपिंग क्रीम की वो खराब हो जाएगी। ये देखो कि हमने बिस्किट की क्रीम से ही कितनी बढ़िया व्हिपिंग क्रीम रेडी कर ली और इसका कितना ब्यूटीफुल कलर आ गया। अब हमने क्या करना है कि ना अपनी फिंगर से ही इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है हार्ट्स के ऊपर। अगर आप पाइपिंग बैग का यूज करना चाहे तो भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे प्रोसेस को ना थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ, इसीलिए ना इसको हम फिंगर से ही अप्लाई कर लेंगे। और ये ध्यान रखना कि अच्छे से सब हार्ट्स पे इवन तरीके से सारी क्रीम बढ़िया तरीके से अप्लाई हो जाए। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि सारे हार्ट्स पे क्रीम अच्छे से अप्लाई हो गई है। अब थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेंगे। अब गार्निशिंग एकदम ऑप्शनल है, आप जैसे चाहते हो वैसे कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना चाहते, नहीं पसंद है, तो आप उसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़े से ना शुगर स्टार्स ले लिए हैं और थोड़े से सिल्वर शुगर बॉल्स लेके मैंने इसको अच्छे से गार्निश कर दिया। 5-10 मिनट में ये बढ़िया तरीके से एकदम सेट हो गया और एकदम परफेक्ट लग रहा था ये देखने में और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा था। तो आप देखो कि हमारा नो बेक, नो गैस, नो अवन, नो बेकिंग पाउडर, नथिंग, कुछ भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही इजी सी वैलेंटाइन स्पेशल रेसिपी तो हमने बना ली है। ऐसी और भी बहुत सारी इजी इजी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो मुझे प्लीज मौका दे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज लेके आती ही रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।